दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपने चार धामों के बारे में जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कितने धाम हैं? सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम हैं, जिनकी पुनर्स्थापना हमारे शंकराचार्य जी ने की थी। लेकिन इनकी स्थापना कब और कैसे हुई, आप इनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो कुमार विश्वास द्वारा अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए चलते हैं, अपने सनातन संस्कृति एवं धर्म के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कथा के इस क्रम में, और इस क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे चार धाम हैं जहां की यात्रा संपन्न करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये चार धाम हमारी आस्था के युगों युगों से प्रतीक हैं। बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक हैं, तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं। द्वारिका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर के उस अखिलेश्वर को समर्पित माना जाता है, और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। धर्म के दो पुत्र हुए, एक नर और एक नारायण। दोनों बेहद सात्विक, बेहद अच्छी प्रवृत्ति के। एक दिन लाड़ से उमगी हुई उनकी माता ने प्रसन्न होकर उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम मेरे दोनों पुत्र अत्यंत मर्यादित और बहुत अच्छे संस्कार के हो। मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि इसके माँ के मातृत्व के अतिरिक्त भी मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। दोनों बच्चों ने एक ही वरदान माना। दोनों ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, धर्म के प्रति, पिता के प्रति हमारी गहरी रुचि से आप मोहित हैं ही, माता आप हम दोनों को तपस्वी होने का वरदान दीजिए। माँ हैरान हो गई, क्योंकि जिन पुत्रों से इतना अधिक मोह था, जितना अधिक स्नेह है, जितना लाड़ है, अगर उन्हें तपस्वी होने का वरदान देती है तो वे तपस्या के लिए परिवार को, घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वचनबद्ध माता ने अंततः पुत्रों के मोह को पीछे करके अपने वचन की पालना की और दोनों पुत्रों को परम तपस्वी, परम तेजवान होने का वरदान दिया। अपनी माँ से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद नर और नारायण घर परिवार की देहरी को त्याग अपने संकल्पों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए पर्वतों के उस प्रदेश में पहुंचे जहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। बद्रीनाथ वही पवित्र भूमि है जहां धर्म के उन यशस्वी पुत्रों ने सहस्रों वर्षों तक घोर तप किया है। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की वे इतिहास के शिलालेख पर नर पर्वत के नाम से अंकित हुआ, और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे आज भी हम नारायण पर्वत कहकर प्रणाम करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर, यानी कि त्रेता युग का प्रतीक, भगवान की पुण्य लीलाओं का साक्षी वह रामेश्वर तट, जहां अनाचार के विरुद्ध एक तपस्वी के युद्ध का ऐसा उद्घोष हुआ कि विश्व आज भी उस आतताई के खिलाफ भगवान की उस भूमिका को दशहरा और दिवाली के रूप में मनाता है। अपने समय के सबसे अधिक पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी और वंश परंपरा के समस्त गुणों के साथ अभिषिक्त होने वाले अपराधी रावण का वध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रभु ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था, और भगवान शंकर इस दुनिया में सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हर संकल्प को सहारा देने की अवधारणा तब से लेकर आज तक दोहरा रहे। आइए अब प्रस्थान करते हैं द्वारिका धाम की ओर, भूमि का वो पवित्र पावन हिस्सा जहां भगवान ने अपने सहकारी रूप को प्रकट किया और उसे राजधानी बनाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारिका को बनाया था, और उसी द्वारिका पुरी में अपने शासन के कारण माखन चोर द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान की राजधानी के बाद कथा के अंतिम पड़ाव में चलते हैं इस जग के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी के धाम की ओर। इसे लेकर भी बड़ी रोचक कथा है। एक बार इंद्रद्युम्न नामक एक राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बनवाओ और इसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो। श्री कृष्ण तो स्वप्न में आग्रह करके चले गए, पर राजा की नींद उड़ गई।
उसे पूरे भारत में ऐसा कोई मूर्तिकार नहीं मिला कि जैसी मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी ऐसी निकाल सके। एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं ये काम करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिमा का निर्माण एक बंद कक्ष में करूंगा। वो प्रतिमा का निर्माण पूर्ण होने से पहले उस कक्ष का दरवाजा अगर किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहां पर है मैं वहीं पर रोक दूंगा। काम शुरू होने लगा। अंदर से ठक ठक की, कुदाल की, खुरेचने की, रंदे की, घिसने की आवाज आती थी। अचानक बहुत समय के काम के बाद आवाजें बंद हो गई। ठंड का समय था। राजा को उत्सुकता हुई कि आवाज क्यों बंद हो गई, कहीं बूढ़े मूर्तिकार का स्वास्थ्य खराब ना हो गया हो। कुछ समय प्रतीक्षा करके राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। राजा जैसे ही अंदर पहुंचे तो अजीब चमत्कार था। मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थे। वह मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं कला के, सृजना के देवता भगवान विश्वकर्मा थे। उस कमरे में तीन बड़ी मनहर मूर्ति जिनमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था। राजा ने उस प्रतिमा को उसी कमी के साथ उसी स्थिति में स्वीकार किया और मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदाऊ बलराम और अपनी लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ वहां विराजमान हैं और लाखों लाख भक्त वहां आकर भगवान के परिवार का आशीर्वाद लेते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था के इन पूज्य चार केंद्रों की कथा हमें बहुत कुछ सीख देती है। जैसे पहली कथा बद्रीनाथ नर और नारायण के सम्मिलित पुरुषार्थ के बारे में बताती है। धर्म की कीर्ति केवल नारायण के सहारे संभव नहीं है। जब तक नर उद्यम नहीं करेगा नारायण भी कृपा नहीं। इस सृष्टि के समस्त शुभ संकल्प नारायण और नर के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। इसका दूसरा उदाहरण कथा के दूसरे भाग का सार क्या है, जगन्नाथ धाम की कथा यह बताती है कि जब तक संभव हो सत्ता को किसी भी शिल्पकार पर अपनी शर्तें थोपने की बजाय उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब जब हस्तक्षेप हुआ कला की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। इसलिए हर सुंदर निर्माण की आशा रखने वाले राजाओं के लिए, हर बेहतर रचना की उम्मीद करने वाले समाज के लिए यह अनिवार्य है कि वे कला के साधकों पर अपनी शर्तें थोपने के बजाय पूरे सम्मान के साथ उन्हें उन्मुक्त वातावरण दे, ताकि उनकी कलाएं भी भगवान की तरह पूरे विश्व में आदर पाएं और युग युगांतर तक बची रहे। धामों के साथ परिचित होने पर एक और आवश्यक संदेश समझ में आता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में धर्म के चार पैर थे, त्रेता में तीन पैर हो गए, द्वापर में दो बचे, यानी कि धर्म की संकल्पना क्रमशः डगमगाती गई, धर्म के प्रति लोगों में रुचि कम होती गई। कलयुग में तो धर्म केवल एक पांव पर टिका है, किंतु अगर ये पांव भी मजबूत है, ये पांव भी अगर भक्ति का है, तो फिर तुलसी बाबा का कहा सिद्ध हो जाता है, कलयुग केवल नाम आधार। आप नाम लीजिए और आपका काम होता है। तो आपने वीडियो के माध्यम से देखा कितनी सुंदर व्याख्या कुमार विश्वास द्वारा की गई। हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी संकल्पना के साथ मैं आपका दोस्त दुबनाशी ट्रैकर से, हर हर महादेव।